भाव उत्पन्न होता है उसके बारे में वर्णन हो रहा है। क्योंकि श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनुष्ठान निष्ठा रुचि आसक्ति इसी का होता है साधन भक्ति का और इसके पश्चात भाव भक्ति तत्पश्चात प्रेमा प्रेमा तीन प्रकार की भक्ति में बताया गया साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति के दो फंक्शन है क्या क्या याद है साधन भक्ति के दो दो फंक्शन दो विषय एक होता है क्या कैसे हम अनर्थ निवृत्त होकर के चित्त के निर्माण करें क्योंकि जीव अनंत करोड़ समय से व जन्म से इस संसार में भ्रमण कर एक जन्म नहीं है ना जी कितने जन्म हम इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं और काम क्रोध के दास होकर के हम उसमें पड़े अमादिनां कृता पलिता दुर्निदेशा तेषां जगामि न कृपा न दोषं कहते हैं ये काम क्रोध आदि के दास होकर के हम इस संसार में पड़े और माया देवी बार बार मुझे पिटाई कर रही है किंतु तथापि हमें चेतन नहीं हो रहा है चेतना शक्ति नहीं आ रही है क्योंकि माया एक अद्भुत है क्या करती है जब हम शरीर छोड़ देते हैं ये पांचभौतिक शरीर है ये जो शरीर जो है मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश के पंचभौतिक शरीर कहा जाता है मेटेरियल बॉडी ये पंचभौतिक शरीर जब छोड़ देते हैं किंतु जान इसको कहा जाता है स्थूल शरीर कहा जाता है ग्रस्त बॉडी। देखो दूसरी जन्म में हम कहाँ जाते हैं न सूक्ष्म शरीर में आत्मा जाकर फिर दूसरी स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः सूक्ष्म शरीर बार बार हमारे साथ चलते जा रहे हैं स्थूल शरीर तो यहाँ पर छोड़ देते हैं कैसे इस जन्म में हम स्त्री शरीर मिला अथवा पुरुष शरीर मिला है जब ये हमारे समय मृत्यु हो जाएगा तो हम क्या करेंगे स्थूल शरीर के छोड़ देंगे और इसके अंदर ये सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार चित्त है उसके अंदर में आत्मा रहती है आत्मा फिर उसी प्रकार चलते जा रहे माने सूक्ष्म शरीर के अंदर रहते ही एक शरीर के दूसरे शरीर के ऐसे जन्म जन्मांतर में हम चलते जा रहे ऐसे और फिर क्या करते हैं सूक्ष्म शरीर क्या कलेक्ट कर रहे जन्म जन्मांतर के संस्कार जो कलेक्ट करते जा रहे संग्रह करते जा रहे हैं इस जन्म में हम जो अच्छी बुरी जो कुछ भी किया वो संस्कार कहाँ रह जाता है सूक्ष्म शरीर है मान बुद्धि अहंकार ये चलती है और उसी के अनुसार हम संसार में भुक्ति रहे किंतु जिस जन्म में सदगुरु की चरणाश्रय हो जाता है और गुरु और कृष्ण के कृपा से तब धीरे धीरे हमारे सब अनर्थ आदि है काम क्रोध आदि क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है इसलिए कहते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी
नष्ट प्रायेषु और भद्रेषु, इसमें तो काम क्रोध आदि, ये क्या है? अभद्र है, भद्र नहीं है। भद्र जानते क्या? जेंटल। भद्र माने जेंटलमैन, ये जेंटलमैन है, सुपर पर्सन है, सुपर पर्सन है। और अभद्र माने रूरल, स्टूपिड, नॉनसेंस, रास्कल। इसलिए कह रहे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय। इसी प्रकार भागवतों की सेवा करते करते ये समस्त हमारे अभद्र आदि जो है, अभद्र क्या है? अनर्थ, काम क्रोध आदि के क्या है, धीरे 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 नष्ट हो जाता है। तब हमारे क्या होता है? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भगवती निष्ठिकी, भगवान में धीरे धीरे हमारी निष्ठा उत्पन्न होता है। निष्ठा माने नहीं, निश्चेष में स्था धातु स्थिर हो जाता है, तस्मस नहीं होता है। जब तक अनर्थ रहता है चित्त कैसे टलमल होता है, डमाडोल होता है, व्हाट टू डू हाउ टू डू, क्या बोला, व्हाट टू डू और हाउ टू डू, ये होता है, क्या करें क्या जाने। और मन में अनेक प्रकार की जो है अच्छी बुरी चिंता आ जाती है, यही भालो यही मन, दिस इज गुड और दिस इज बैड, आता है कि नहीं? मन अस्थिरता अस्थिरता हो जाता है, कभी कर्म मार्ग में भटकते रहते हैं, कभी ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं और कभी योग मार्ग में चले जाते हैं और कभी भक्ति मार्ग में आ जाते। इसी प्रकार डामाडोल होकर के घूमता रहता है, किंतु देखो जब गुरु वचन की सेवा करते करते और हृदय से काम क्रोध आदि जितने परिमाण नष्ट हो जाता है उतने ही परिमाण गुरु वचन के चलने वाला निष्ठा उत्पन्न होता है। इसलिए बार बार हम सूचित कर रहे हैं एक ही शब्द को, ये निष्ठा करते उपजय प्रेम तरंग चेतन चेतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे निष्ठा, जब निष्ठा हो जाता है ना, निष्ठा स्थिर फिक्स्ड, तब धीरे धीरे हृदय में राधा गोविंद के प्रति प्रेम की जो तरंग जो है, लहरियां जो है वो उठती रहती है। ये कहते हैं निष्ठा ही तो उपजाए प्रेम रहता है। इसलिए हम जितने भी कथा श्रवण कर रहे हैं पहले चित्त के यहाँ स्थिर कर रहे हैं, एकाग्रता कर, चित्त स्थिर कैसे होता है, कैसे करो है, काम ईश्व क्रोधे ईश्व रजुगुण समुद्र भव। अर्जुन ने पूछा हे गोविंद यह बताओ, चंचल ही मन कृष्ण प्रवासी बलभद्र, मन बहुत चंचल है, स्थिर कर नहीं पाते। तो भगवान कहते हैं दो प्रकार के द्वारा चित्त के जो है मन को कंट्रोल कर सकते हो, चित्त माने मन कंट्रोल कर सकते है, कैसे आप बताओ, अभ्यास और वैराग्य ने चिज्जते है ना। गीता में भगवान का क्या कहा, अभ्यास करो, अभ्यास माने प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन है। और वैराग्य, वैराग्य माने
विषय से अनासक्त हो जाना, विषय के प्रति अनासक्त, आसक्ति त्याग दे। जिस वस्तु के लिए हमारा चित्त डामाडोल हो रहा है उस वस्तु से अब दूर, इसी के कहा जाता है वैराग्य। एक विषय से दूर हटना और भगवान के प्रति अनुराग हो जाना, विराग, विशेष राग कहा जाता है, एक साथ में दो काम करना पड़ता है। एक सांसारिक विषय से आपको दूर रहना पड़ेगा और भगवत विषय में अनुराग रखना पड़ेगा। किया क्योंकि एक ही साथ में दो काम नहीं होगा। क्या बोलते हैं, एक तलवार जो है ना, क्या बोलते हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार विषय में रखो अथवा भगवान में रखो मन, हम तो दोनों तरफ रखना चाहते हैं किंतु कहते नहीं, इसलिए कहते हैं नष्ट प्रायशु अभद्रशु नित्यं भगवतो सेवया। दफ्तर भगवान की सेवा करते करते भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामो लोभादश्चति चेत ईतृणारविद्धस्थितं सत्ते प्रसीदति। भागवत में आगे इसी प्रकार चित्त जब स्थिर हो जाता है, भगवत सेवा में स्थिर हो जाता है, तब काम क्रोध आदि आपको उद्विग्न नहीं देंगे, सताएंगे नहीं। अब तो काम क्रोध सताते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये सताते रहते हैं। आप चाहते नहीं किंतु वो वस्तु आकर के आपको चित्त को भ्रमित कराते हैं, किंतु भगवान नाम ग्रहण करते करते और भगवान के निकट यह समस्त प्रार्थना करते करते धीरे धीरे काम काम क्रोध आदि शांत हो जाएगा। गीता में भी श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण भी कहने लगे मैं अभिष्ट चित्तानंद, मेरे प्रति अभिष्ट हो जाने से स्वाभाविक रूप में काम क्रोध आदि जो अपने आप दूर हो जाना है। तो कैसे होगा, हमने बताया दो पथ बताया, एक है अभ्यास और दूसरी वैराग। अभ्यास में पुनः 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 आवृत्ति, इसके तो अभ्यास कर देता है। जैसे श्लोक याद नहीं हो रहा है क्या करना पड़ेगा, पुनः पुनः श्लोक के पढ़ो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, दस बार, जब तक याद नहीं हो रहा है। इसी का जैसे पुनरावृत्ति शब्दार्थ, पुनरावृत्ति पुनः पुनः आवृत्ति करो। आगे आइए और इसलिए करें भगवत कथा आदि श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा चित्त धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। इसलिए भगवत कथा आदि श्रवण और साथ ही साथ भगवान के निकट अपने हृदय के जो है उद्गार करो, उद्गार समझते हैं मैंने व्यक्त करो, भगवान के निकट अपने चित्त के खोल दो, ओपन योर हार्ट। कैसे, स्तव स्तुति आदि के द्वारा,
प्रार्थना करो। इसलिए हम लोग कई दिन से ही पंचम जाप की साधन की कथा श्रवण करते जा रहे हैं। ये राधा जी के निकट हम क्या प्रार्थना करेंगे? काल ने कहा असास्तदर्शन विषभानुजाय स्थिरे समदर्शच भानुजाय कदानुविन्दावन कुंज वितीश्वं ननुरा अनुराधे य अतिथि भवेम। हे राधे हे विश्वानंदिनी, तुम्हारे किंकरित्व प्राप्त करने की आशा में जमुना तीर पर स्थित होकर वृंदावन कुंज विधि की अतिथि कब बनी? बस इतना ही है। राधा दर्शन, मुझे और संसार में कुछ वस्तु नहीं चाहिए, मतलब हे राधे केवल आपके चरण कमल की दासी मुझे बना लीजिए, शिकार कर। इसकी कथा को आगे हम वर्णन करते जा रहे हैं। यहाँ पर बकुल और ठाकुर करेंगे जन्म जन्म श्रीमती राधा जी की दासी बनने के लिए अभिलाषा अभिलाषा इच्छा और भी जीवन की इच्छा नहीं है। तस्य पारसं विलासमूर्ति आनंद कंद परम अद्भुत सुखलक्ष्मण ब्रह्मादि दुर्लभ गति विषभानुजाय कैंकर्यमेव जन्म जन्मनि स्वाद। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद है राधा और सुधान जी वर्णन कर लिख रहे हैं, भावों की व्यक्त कर रहे हैं। क्या हे अपार रससार श्याम सुंदर की विलास मूर्ति हो, श्री कृष्ण की परम अद्भुत सूक्ष्म लक्ष्मी है तथा ब्रह्मा आदि के लिए दुर्लभ है। इन्हीं विषभानु राजनंदिनी दासित्व मुझे जन्म जन्मांतर प्राप्त हो, यही प्रार्थना की जाए। तस्य अपार रससार विलास मूर्ति अपार रसेर सार विलास मूर्ति परम अद्भुत सुख आनंद निवृत्ति ब्रह्मादि दुर्लभ विषभानु कन्ना जन्म जन्म तर दशे कोई जनो धन्ना। भक्तिमान ठाकुर बंगला में भी बोल रहे हैं, तस्य अपर रससार विलास मूर्ति हे विश्वानंदिनी श्रीमती राधे, आप तो अपने प्राणकांत गोविंद के साथ कुंज में नाचने कैसे आनंद सब करते रहते हैं। देखिए आनंद कंद अपार अद्भुत सुख लक्ष्मण कितना सुंदर शब्द है। ये आप श्री कृष्ण की परम अद्भुत सुख लक्ष्मी स्वरूप, लक्ष्मी करेंगे सर्व संपदा मैंने समस्त प्रकार के संपद देने वाले सर्व संपदा दादा तू सब कुछ देने वाले क्या इस जगत की बात चीज जगत की सब जगत आपसे ही तो सब कुछ प्राप्त होता है। धन संपत्ति जो कुछ भी कहें
वास्तव देने वाले कौन है? सर्व संपदा विश्वानंदनी सुमतिला, धन संपत्ति ऐश्वर्य जो कुछ भी कहे कहाँ से मिले, वही बात विश्वानंदनी सुमती राधिका है। अच्छा ठीक है, कृष्ण के यदि मालिक माना जाए, घर के यदि मालिक माने, मालिक समझते हो, राधा जी को क्या मानोगे? मालिक ही है। अच्छा बताओ, कोई वस्तु आपकी प्राप्ति करना है, कैसे प्राप्ति करो, कैसे मिलेगा? माता जी के पास है, मालिकिनी के पास। कभी कभी मालिक जो है वो देना नहीं चाहे, किंतु मालिकिनी के पास चले जाओ है, थोड़ी सी उनकी पैर दबा दो, प्रणाम कर लो, बस खुश हो जाए है, पैर छू है, काम हो गया तुम्हारा है। हो सकता है मालिक थोड़ा कंजूस है, दे ना दे, किंतु देखो मालिकनी के चरण थोड़ा स्पर्श करके है, थोड़ा आंखों के आंसू निकाल दो, अरे झूठी मूठी आंसू के निकाल दो है, झूठ मूठ अपने आंखों से आंसू के निकाल दो, देखो वो मालिकनी क्या करेगी है, मैं सब दे देंगे है, क्योंकि पुरुष के हृदय थोड़ा कठोर होता है, विचार करते हैं दे ना दे है, विचार करने वाले, किंतु देखो स्त्री के जो हृदय होता है वो कमल होता है कि नहीं है? बोलो किसी के यदि पैसा लेना हो या कुछ लेना है तो मालिक के पास मत जाओ, संबंध किसके पास रख लो, मालिक के नहीं पास है, और मालिक नहीं प्रसन्न हो जाए तो आपके काम ही बन गए, काम बन गया कि नहीं है। ठीक उसी प्रकार समस्त प्रेम और संपदा कौन है? श्रीमती राधिका। इसलिए कहते हैं अपार रस विलास मुद्दे आनंद कंद परम अद्भुत सूक्ष्म लक्ष्मण है, अत परम अद्भुत है, और समस्त ऐश्वर्य का आप देने वाले, ऐसे संसार में कोई वस्तु नहीं है राधा जी नहीं दे सकते। इस जगत में हम किससे मांगते हैं? लक्ष्मी से मांगते हैं, किंतु ये लक्ष्मी है को है, मूल लक्ष्मी जो है वो श्रीमती राधिका है। कई लक्ष्मी के बारे में शास्त्र में वर्णन है, सर्वलक्ष्मी वही श्रीमती राधिका है। अच्छा कितने लक्ष्मी के बारे में आपको आप जानते हो बताओ है? इस संसार में जो लक्ष्मी उसे कहा जाता है धनदात्री लक्ष्मी, कहा जाए धन देने वाले लक्ष्मी है, जो घर घर में पूजित होती है। देखो घर में आपकी कौन 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 रहा था? गणेश और लक्ष्मी है, गणेश सिद्धि दे देते और लक्ष्मी शायद धन दे देते, भंडार को उजाड़ दे। इसलिए संसार के लोग गणेश और लक्ष्मी के पूजा भी करते हैं। और एक लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है क्या? स्वर्ग लक्ष्मी, स्वर्ग में रहती, स्वर्ग लक्ष्मी कहा जाता है। और एक लक्ष्मी क्या है? वैकुंठ में रहती है, है? वो भी लक्ष्मी। और लक्ष्मी कौन? ये जितने भी लक्ष्मियां है उस लक्ष्मी के मूल लक्ष्मी कौन है? श्रीमती राधिका।
इसलिए कहा सर्व लक्ष्मी वही है। क्या प्राकृत अप्राकृत धन यदि प्राप्ति करना है राधा के चरण में है, किंतु वही तो मालिक नहीं है, कृष्ण मालिक है। शास्त्र ने कहा था एत जंस कलाप, एत जंस कलाप से कृष्णस्तु भगवान है, कोई बात नहीं है। भगवान के थोड़ा प्रणाम करके घर में घुस जाओ, है घर में मालिक बैठा हुआ है, अरे कहाँ जा रहे हो, मालिक पूछे कुछ काम नहीं है, थोड़ा बहन जी के साथ क्या बोलते हैं, बहन जी के साथ मिलने जा रहे हैं, अच्छा जाओ, मालिक कहेंगे अच्छा जाओ, और जाकर के बस राहुल के चरण स्पर्श कर लो, प्रणाम कर लो, है मालिक ही नहीं है ना भाई, कार्य सिद्धि करने के लिए जिसके पैर छू, जिसके पैर छू गए वो अपने आप झुक जाएगा तुम्हारी बात, और क्या करेगा, और अपने वरदा हस्त आपके सिर पर रख देगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं वैष्णव इतने बार प्रणाम क्यों करते हैं, जो कहते हैं ना अरे एक बार कर लिया बस सलाम ठोक दिया है, सलाम ठोक दो, और जब वैष्णव बार बार प्रणाम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक कितने बार जय देते हैं, कितने बार प्रणाम करते हैं, क्यों, बोले यही है, इसलिए बोले हम जब प्रणाम करेंगे ना जिसको तुम प्रणाम करोगे वो अपने आप तुम्हारे पर झुक जाएंगे और उनके हाथ तुम्हारे सिर पर अपने आप आ जाएंगे। युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध की पहले है दोनों सेना दोनों तरफ आ गई है, सेना रो उभर मध्य रथ उपस्थापित, अर्जुन कहने लगे हे सखा कृष्ण मेरे रथ के जो है दोनों सेनाओं के बीच में रख, मैं देख ले रहा हूँ, अच्छा दोनों भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को बीच में रख, दोनों सेना है, दोनों सेना को देख करके उन्होंने क्या कि देखो, उन्होंने कहा कि एक बाण ऐसे चलाया और जाकर के द्रोणाचार्य के चरण स्पर्श करके उन्हें गुरु है ना द्रोणाचार्य, पहले बाण चलाया कैसे ठीक बाण वो जो तीर कह कहाँ गए द्रोणाचार्य के चरण कमल के पास ही जाकर के उन पर द्रोणाचार्य हाथ उठा दिया, विजयी भव, देखो आशीर्वाद हो गया, फिर दूसरी बाण चलाया है अर्जुन और बाण जाकर के कहां लगा, भीष्म पितामह के चरण कमल के पास जमीन पर जाकर खड़े हो गए, भीष्म पितामह समझ गए, भीष्म पितामह क्या बोले, विजयी भव है, दुर्योधन बिगड़ गए, मतलब मेरे तरफ से युद्ध करने के लिए आए हैं और क्या करने का है, युद्ध के पहले उनके दे दिया सिर पर, देखो है युद्ध के हमारे तब तो हमारे पक्ष से क्यों युद्ध कर, उनके यदि विजय हो तब तात्पर्य क्या है मेरा पराजय, ये तो दुर्योधन के कहना है, युद्ध कर रहे हो हमारे पक्ष होकर के और आशीर्वाद देकर, आशीर्वाद किसको दे रहे हो, पांडवों को बिगड़े है, भीष्म पितामह कहने लगे दुर्योधन मूर्ख है, अरे तात्पर्य सुनो, जिसको तुम प्रणाम करोगे उनकी बरद हस्त, बरद हस्त ब्लेसिंग हैंड
है, उनके वरद हस्त अपने आप ही उनके सिर पर आ जाए। आएगा कि नहीं है? आप किस पे प्रणाम करें? आप खड़े थोड़ी रहोगे, आप भी झुक जाओ, है झुक करके आपके सिर कहाँ रहे? जो प्रणाम कर रहे हैं उनके मस्तक पर आ जाए। आइए कि नहीं आए? उसी प्रकार द्रोण, उसी प्रकार भीष्म पितामह कह रहे मूर्ख, अरे तू यदि प्रणाम करते है मेरा वरदहस्त तुम्हारे भी हाथ पर आ गए है, किंतु तुमको घमंडी अहंकारी, जो अहंकारी घमंडी होता है उसके सिर तक कभी झुकता नहीं है। यानी कि यही तात्पर्य, तात्पर्य क्या है? युद्ध के पहले ही अर्जुन अपने गुरुजनों के प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद ले लिया। ठीक उसी प्रकार हम तो कहते जा रहे हैं भाई घर के मालिक तो कृष्ण है, ठीक है, किंतु मालिका नहीं कौन है? राधा रानी। इसे कुछ प्राप्ति करना है राधा जी के चरण में झुक जाओ। जैसे कहते हैं ना, बोले प्रणाम इतने बार क्यों करते हैं? जैसे लेकर के है कितने बार प्रणाम करते हैं? आप बताओ है? जब भी देखो तभी बोले इसलिए प्रणाम करते हैं उनकी वरद हस्त ब्लेसिंग हो हमारे सिर पर आए, इसलिए कर रहे हैं। चश्या अपार रस विलास मुक्ते आनंद कंद परम अद्भुत सुख लक्ष्मा ब्रह्मादि दुर्लभ गते विश्वानु जाया। ये विश्वानु नंदिनी श्रीमती राधिके, आपके चरण कमल तो ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता के लिए, लोग के लिए भी दुर्लभ है कि नहीं है? कृष्ण देव भवंतं वंदे, कृष्ण देव भवंतं वंदे, मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे, कृष्ण देव भवंतं वंदे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचि, इदमिच्छामि निशमत वाच्युत तदापि दुर्लभ। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे। मैं तो बहुत स्वामी पाद वर्णन करें, कृष्ण देव भगवंत कृष्ण, अरे कृष्ण की चरण कमल ब्रह्मादि देवता के लिए अतीब दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे कभी उनके हृदय कमल में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं? कोई भी नहीं, जरूरी नहीं है भगवान प्रकट हो जाए ब्रह्मा जी की हृदय में, ठीक है दूर है कहते हैं। जब तभी समाधि से विधि रूपी प्रस्तुति न तो नखाग्रमणी जीव है। और देखो भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मादि दुर्लभ गते विश्वानु जाया है। विश्वानंदिनी श्रीमती राधे के चरण कमल ब्रह्मा जी के लिए अतीब अतीब दुर्लभ है। एक बार भृगु ऋषि आकर के ब्रह्मा जी के बोले, पिता हमें राधा जी के बारे में कुछ श्रवण कराइए। तो उस समय ब्रह्मा जी बोले, हे भृगु मैं तुमको क्या बताऊं, 60,000 साल तक मैंने तपस्या की तथापि विश्वानु नंदिनी श्रीमती राधा जी की चरण कमल की मेरा दर्शन नहीं हुआ। माने राधा जी इतने दुर्लभ दुर्लभ है, वेरी वेरी रेयर है।
हम तो कहते हैं मिल जाए, किंतु देखो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी प्राप्त कर नहीं पाए, दुर्लभ है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मादि दुर्लभ गति विश्वमान जाया। मैं जानता हूँ ये श्रीमती राधे की आपके चरण कमल तो ब्रह्मादि बड़े बड़े मुनिन्द्र ज्ञानेन्द्र जगेन्द्र ध्यानेन्द्र उनके लिए भी दुर्लभ है। बड़े बड़े मुनि लोग, मुनि माने मननशील करने वाले लोग, मुनि ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन्द्र है ज्ञान के द्वारा चित्त के इंद्रियादि के संजत करने वाले, ऐसे ज्ञानेन्द्र भी राधानी के चरण कमल में प्राप्त नहीं करते है। मुनिन्द्र ज्ञानेन्द्र ध्यानेन्द्र है, ध्यान के द्वारा बड़े बड़े लोग भी प्रचेष्टा करते हैं राधा जी के चरण कमल ध्यान में आ जाए, नहीं है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मादि दुर्लभ गति विश्वमान जाया है। ये तो ब्रह्मादि बड़े बड़े लोगों के लिए संभव नहीं है, तथापि मेरे हृदय में यह अभिलाषा है, इच्छा है। क्या चीज है? कैंकर्यमेव मम जन्म जन्मनी सत्। ये राधे मेरे यह प्रार्थना है, जन्म जन्म है आपकी चरण कमल की दासी तो प्राप्त कर दो, और कुछ नहीं चाहिए है, दासी तो प्राप्त अपने दासी रूप में हमें स्वीकार कर है। यहाँ पर हमारे श्री गुरुदेव व्याख्या में करें पदकर्ता अत्यंत आत्त सर से राधा जी के दासित्व प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रार्थना की उपलब्धि स्थूल देह में कदापि संभव नहीं है, ये हमारे पांचवदी शरीर के द्वारा संभव नहीं है। फिर कैसे प्राप्ति करें? उसके लिए कह रहे हैं गुरु प्रदत्त मंत्र तथा नाम के निरंतर जब से साधक को अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। गुरु प्रदत्त जो मंत्र आपने प्राप्त किया, क्या मंत्र प्राप्त किया? गायत्री मंत्र, दीक्षा मंत्र है। ये मंत्र आदि जप करते करते है धीरे धीरे आपके हृदय में स्वरूप की उपलब्धि है। अपना स्वरूप उपलब्धि करने पर साधक के हृदय में स्वामिनी के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न होता है तथा राधा के माधुर्य की स्फूर्ति होती है। पहले अपने स्वरूप की उपलब्धि करें, फर्स्ट यू रियलाइज ऑफ योर ओन ट्रांसेंडेंटल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपने स्वरूप को उपलब्धि करो, अपने को जानो। अरे वो आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासी, अपने के लिए जानो पहले है। जब अपने के लिए नहीं जानते हैं क्या करो, इसमें जानो अपने के लिए क्या जानना है, ये मैं राधा जी की दासी, ये अनुभव करो जान इसके है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक बुनाए श्रवणादि शुद्ध चित्त करो उदय है तो तुम्हारे पास महाधन, तुम्हारे पास है केवल उसको आप अनुभव करो। तुम्हारे घर में तुम्हारे हृदय में वो धन तो रखा हुआ है, उसको तुम क्या करो अनुभव करो। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध को नहीं, साधन के द्वारा मिलेगा नहीं, वो तो है ही तुम्हारे पास, केवल चित्त निर्मल करा करके संत महात्मा के मुखारविंद से कथा आदि श्रवण करते करते
वो उदित होगा है। बहुमूल्य धन वो अभी क्या हो गया, मानो ऊपर से डस्ट पड़ गया है, आज नहीं मिट्टी आदि पड़ा, बहुत दिन से घर में पड़ा हुआ है, है 50 साल से घर में पड़ा हुआ है, आपको पता नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, साफ करो है। जैसे कि मानो एक सोने के टुकड़ा आपने रख दिया था, आज 50 साल हो गया, 50 साल आपने आलमारी को खोला ही नहीं माना है, और अभी खोला देखा तो उसके ऊपर काला ये लग गया है, क्या मैला जम गया है, थोड़ा वो पढ़ देते हैं है? क्या जंग नहीं, थोड़ा मैला जम जाता है, है? तो उसको क्या करना है, सफाई करना पड़ेगा है, अच्छी तरह से घिसो, सफाई करो, देखो चकमकी हुआ, ठीक उसी प्रकार आपके हृदय में जो प्रेम धन है उसके निकालो है। कैसे, जो मैला जो तुम्हारी पड़ा हुआ है उस मैले को हटाओ, इसलिए तो महाप्रभु कह रहे हैं जो नाम संकीर्तन करते करते हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय में तुम्हारे जो मैला पड़ा हुआ है वो मैल को निकाल, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्तरूपी दर्पण आयना के जो है शीशा को जो है क्या करो, है तुम्हारे पास, कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, आज समझ में नहीं, इसके बार बार कहते जा रहे महाप्रभु, ये तुम्हारी हृदय में पड़ा हुआ है, इसलिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बनाए, केवल श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो, उधर श्रवण आदि, श्रवण श्रवण कीर्तन स्मरण पालन अर्चन बंधन दास सबका निवेदन, ये नौविधा भक्ति का पालन करो, आज श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय प्रकाशित करो, जो बहुमूल्य धन अनेक दिन से घर में पड़ा हुआ था है, आज मानो आपके पास आ गया, किंतु वो भी धूल में तो ढका हुआ है, मैला हुआ है, उसको मैल को क्या करो, दूर करो, बोले कैसे दूर करोगे, श्रवण कीर्तन आदि है, जो प्रेम धन तुम्हारे पास है उसके है, इसलिए यहाँ पर कह रहे अपार अपना स्वरूप उपलब्धि करने पर साधक के हृदय में सामिनी के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न होता है, तथा श्री राधा के माधुर्य की स्फूर्ति होती है, वे श्याम सुंदर की विलास मूर्ति स्वरूप है, अर्थात कुंज में श्री राधा का घन रस स्वरूप प्रकाशित होता है, तथा अखिल रस मूर्ति श्याम सुंदर उसका आस्वादन करते हैं, निखिल रसों का सार श्री राधा है, विलास की मूर्ति है, वही माधुर्य अपार रस का स्वीकृत करते कर उन्हें किसी भी प्रकार अपनी प्रिया से मिलन के लिए विवश है, कितना सुंदर, इसलिए वे कभी स्त्री वेश धारण कर मिलन के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तो कभी सखियों के चरण में प्रणत होते हैं है? देखो श्री सामने भी मिलन सुख में गोविंद के उनकी संभाषण से भी अधिक संभोग रस आनंद की अनुविचन रूप में प्रदान करती है। श्री कृष्ण भी राधा जी की प्रेम रस आस्वादन करने के लिए है, मिलन रस आस्वादन करने के लिए है ना जी, कभी कभी कैसे देश में आ जाते है, कभी माली हरनी के वेश रूप में आए, माला बेचने वाले गार्लैंड से, कभी चूड़ी बेचने वाले आ जाते, चूड़ी बेचने वाले हैं, कीर्तन करते हैं, ब्रज में
ब्रज में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कहते हैं कीर्तन ब्रज में कितना सुंदर कीर्तन, जानते हो? बताओ। ये श्याम सुंदर ने क्या वेश बनाया? चूड़ी वेश नहीं है, है? देखो। और ब्रज में शोर मच पड़ी, आए आए हैं, कौन आए हैं? बोले एक सुंदर जो है व्यक्ति आए हैं, और क्या क्या बेच रहे हैं? चूड़ी बेच रहे हैं, मनिहारी के बेच रहे हैं। मनिहारी दुकान अनेक प्रकार के चूड़ियां इधर है। ब्रज में शोर मचाया है, सैम चूड़ी बेचने आया। देखो सारे सुखिया एकत्रित, कोई कहते हैं मैं है लाल नहीं लूंगी और ये नहीं लूंगी, कैसे है? ऐसे ऐसे सुंदर कीर्तन करते हैं, ब्रज की कीर्तन ऐसे मधुर है। और फिर क्या करते हैं? श्याम कृष्ण है चूड़ी बेच, वो राधा जी के हाथ में चूड़ी पहनाते हैं। और चूड़ी पहना है तो कैसे पहनाए हैं? हाथ कैसे वो दबाते हैं ना उंगली को दबाने पर, और कृष्णा जानबूझ करके राधा जी के हाथ में जोर से दबा दी हैं ऊपर से। तब तक राधा जी समझ गए ये छलिया है, ये मनिहारी नहीं है, ये तो नटखट हो जाए। तो अब उसमें अनेकों प्रकार के वाम भाव दक्षिण भाव के रसमाद में देखो कैसे संग राधा जी कैसे। इसलिए ब्रज की कथा कभी को मैं सुनाता हूँ, सत्य घटना। बरसाना के रहने वाले एक सेठ जी है, बहुत दुखी थे, उनके दो तीन पुत्र था, दो बेटे तीन बेटा। और कुछ दिनों के बाद उनके पत्नी भी चली गई, तो घर में अभी कौन है? तीन बेटा है, फिर बेटाओं की भी शादी करा दी है, तीन बहू आई है। सेठ जी सुबह दुकान में चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं। देखो घर में आकर के किसके साथ बात करें? बहू के साथ तो इतना तो होती नहीं, थोड़ा खाने के प्रश्न दे दिया बस इतना ही है। आज बेटा तो तीन बेटा तो है, काम में चले जाते हैं, वो भी सुबह चले जाते हैं, रात 10-11 बजे लौटते हैं। सेठ जी के मन में बहुत दुख है, ये घर में केवल मैसेज के भांति हम काम करते जा रहे हैं, कम से कम पत्नी रहती तो दो चार शब्द बोलते, लेकिन पत्नी तो भी चली गई है, दुखी थे है। अच्छा कम से कम एक बेटी होती है, चलो काम धाम करके आ चुके बेटी के पास बैठती, बेटी तू क्या कर रही है? किंतु घर में तो तीन बहू है, वो भी लज्जाशीला है, लज्जाशीला है साइकिल क्या? एक दिन एक संत महात्मा आए उनके घर में, सेठ जी के घर में। संत महात्मा के देख करके फूट फूट करके रोने लगे। संत महात्मा बोले सेठ जी क्या बात है, क्यों रो रहे? संत महात्मा सेठ जी अपने हृदय के खोल करके बोले, सारी बात सुनाया, मेरी पति तो चली कई साल हो गया और तीन बेटा के तो शादी करा दी, धन संपदा के कम नहीं है हमारे घर में, बहुएं भी बहुत अच्छी है, सुशीला है, अच्छी बहन है,
लिखे पड़े सब है, किंतु देखो बूहे तो बूहे होते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, ससुर के साथ थोड़ी हंसी मजाक करते हैं, ना थोड़ी बात करते, विशेष करके ब्रज को देख घूंघट देकर के चलते हैं। ब्रज के नियम होता है बूहे क्या करती है, घूंघट है, ठीक है खाने के लिए बैठे, पापा पिताजी प्रसाद ग्रहण करे, बात खाली के देख करके चले जाते, ना कोई बात ना कुछ, कुछ पूछो तो थोड़ा बहुत उत्तर दे देती है, बस इतना ही तक है। यदि पुकारने लगे इसलिए सेठ जी, सेठ जी संत महात्मा बोले क्या, यदि मेरी बेटी होते कम से कम, अच्छा बेटी के शादी भी हो जाए, बेटी के घर में चले जाते घूम कर क्या, किंतु बेटी तो है, तीन बेटा है तीन बहू है, क्या इस कथा को सुन करके संत महात्मा कहने लगे, अरे सेठ जी आप तो महाभाग्यवान हो, ब्रज में तुम्हारे जन्म हो गए, विशेषकर बरसाना में, मतलब बरसाना के रहने वाले लोग जो है राधा जी को सब बेटी मानते हैं, नंद गांव के रहने वाले सभी लोग कृष्ण के अपने पुत्र मानते हैं, भले ही कृष्ण नंद महाराज के बेटा हो, किंतु देखो नंद गांव में जितने भी लोग हैं सब कृष्ण के अपना ही बेटा मानते हैं, और बरसाना में बरसाना में सभी लोग राधा जी को क्या मानते हैं, अपने बेटी मानते हैं, भले ही वो वृषभानु महाराज के लड़की बेटी हो, किंतु सभी लोग अपना भी बेटी मानते हैं। ये ब्रज की एक अपार प्रेम माधुर्य है, आज तक भी नंदगांव के लोग बरसाना के लोग अपने अपने अभिमान में रहते हैं, ये मेरा बेटी है, राधा जी मेरा बेटी, और नंदगांव में लोग सोचते हैं ये कन्हैया मेरा बेटा है, देखो इसलिए बरसाना के लोग कभी नंदगांव के पानी तक नहीं पीते, क्यों हमारे बेटी के शादी कहाँ हुई, नंदगांव है, ये भावना भी रहते हैं। उसी प्रकार संत महात्मा कहने लगे, अरे सेठ जी आप क्यों आप चिंतन कर रहे, राधा जी की बेटी मान लो ना, इससे और क्या है, राधा जी तुम्हारी बेटी तो है ही, ऐसे करके संत महात्मा ने एक सुंदर राधा जी के चित्रपट सेठ जी को दे दिया, और बोले देखो जब आप विश्राम करने के लिए जाओगे, विश्राम करते हैं जब सोने के लिए जाओगे, ये चित्रपट के जो है आलिंगन चुम्बन करके जाना, अपनी बेटी मान करके हैं, छोटी अपने जो है बेटी मान करके चित्रपट के जो है आलिंगन करके है चुम्बन, सेठ जी संत महात्मा के उपदेश के अनुसार उस चित्रपट के जरा है कैसे सुंदर जो चित्रपट है किशोरी के चित्रपट, और जब सोने के लिए जाते हैं सोने के लिए काम के लिए कहीं भी जा है, पहले चित्रपट के अपने बेटी समझ करके आलिंगन चुम्बन करके काम में भी जा, जैसे आपकी छोटी बेटी हो आप कान के घर से बाहर जाने के लिए क्या करते हो, बेटी के नाम है आपकी बेटी है, है राधे है, बस आलिंगन करके तब जान से हैं, फिर जब काम से लौटते हैं हैं बेटी के नाम लेकर पुकारते हो, हैं अरे लाली हैं कहते हैं इधर, फिर लाली को पकड़ फिर आलिंगन कर, अरे ठीक हो हाँ पापा ठीक है, कभी कान में ले लेते हैं कभी छाती में लगा करके आलिंगन कर, देखो सेठ जी ठीक उसी प्रकार वो चित्रपट के जो है कभी छत्ती में लगाते हैं कभी आलिंगन करते अपने बेटी मानते, ऐसे करते करते दो एक साल चले,
एक दिन क्या हुई, ब्रज में अनेकों त्योहार होती है, उत्सव मनाते हैं, ब्रज में एक उत्सव होता है, त्योहार हुआ, विशेष उत्सव मना रहे। उसके दिन क्या होते हैं, सारे ब्रज के लड़कियां, स्त्री मन विवाहित अविवाहित, सब क्या पहनती है, चूड़ी पहनती है, कई ऐसे त्योहार होगा सही उत्सव होगा। तो तीन बहुएं कहने लगे, पापा पिताजी, ससुर की तो पिताजी कहते हैं, आज ऐसे विशेष उत्सव है, हम लोग चूड़ी पहनना चाहते हैं। सेठ जी बोले, बोल कोई भी बात नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ, दुकान जा रहा हूँ, और रास्ते में तो हमारे वो क्या बोलते हैं, वो मनिहारी के घर है, चूड़ी बेचने वाले, मनिहारी है ना, चूड़ी बेचने वाले, मैं उनके बोल दूंगा और आकर के 12 बजे आ जाएगा, चूड़ी पहन लेना। ऐसे करके सेठ जी घर से निकल गए और रास्ते में मनिहारी के घर में जाकर के बोले, देखो मनिहारी, एक काम करना, हमारे घर में जो बहुएं हैं उनके चूड़ी पहन, किंतु देखो ये चूड़ियाँ के जो पैसे जो है मुझे दुकान से ले लेना, 6 बजे दुकान से, दुकान बंद करने के पहले 6 बजे तू आ जा, किस बजे, शाम को 6 बजे। मनिहारी बोले ठीक है सेठ जी, ठीक 12 बजे मनिहारी ने किया कि सेठ जी के घर में आए, दरवाजा खटखटाए, है तीन बहुएं एक एक करके आई, है और ब्रज की रीति मैंने बताया, घुंघट लगा करके है हाथ बढ़ा दी और मनिहारी ने चूड़ी पहना दी, तीन बहुएं चली गई है, पीछे घूम करके नहीं देखा, लज्जा बहुएं तो होते हैं ना, थोड़ा लज्जावती होती है, अच्छा चलो। तीन बहु जब चली गई, एक सुंदरी किशोरी आई, मंद मुस्कान करते हुए है, मानो चित्त के लचाती हुई है, और ऐसे करके वो भी आई और आकर के अपने हाथ बढ़ा दिए है। मनिहारी सोचने लगे इनके घर में होगा, सेठ जी तो बोले नहीं उनके घर में कितना है, मैंने कहा ना सेठ जी कहते हमारे घर में बहुओं की चूड़ी पहना दे। तो मनिहारी सोचने लगे ये इनके घर की कोई सदस्य होगा, लड़की तो है, चल। मनिहारी ने किया कि उस किशोरी के हाथ में भी चूड़ी पहना, अच्छा चले। मनिहारी ठीक 6 बजे सेठ जी के दुकान पर आ गए है पैसा के लिए, पैसे कितने पैसा है सेठ जी ने बोला पूछा, मनिहारी ने बोले इतने पैसा, सेठ जी बोले देखो तुम ज्यादा पैसा क्यों मांग रही हो आज, अरे ज्यादा नहीं है सेठ जी है, मैं आपके ज्यादा पैसा नहीं लेगा ना, इतने पैसा कैसे हो जाए, बोले नहीं आपके घर में देखो तीन ये चार को जो है सास त्री के हाथ में मैंने चूड़ी पहनी, ये चार के लिए पैसा नहीं चाहिए। बस इस कथा सुनते ही सेठ जी बोले हमारे घर में चार कहाँ है, मेरे तो पत्नी तो चली गई कितने साल हो गए, और घर में तो हमारे तीन बहुएं हैं, तुम चार कैसे बोल रहे। सेठ मनिहारी बोले मैं तो झूठ नहीं बोलते, सेठ जी बोले ठीक है तीन के पैसा ले जाओ और मैं घर में जाकर के छानबीन करके देखते हूँ चौथे कौन है। मनिहारी बोले सेठ जी जैसे आपकी इच्छा ही है, सेठ जी ने कहा कि तीन जो बहु के जो पैसा जो है मैंने चूड़ियों का पैसा दे दिया है, अच्छा मनिहारी घर लौट चले गए और सेठ जी फिर दुकान आज बंद करके घर में आए। उस दिन सेठ जी थोड़ा थके हुए थे इसलिए बहुओं की भी पूछा ही नहीं है और
कैसे चूड़ियां पहनी, कैसे कुछ नहीं पूछे। और प्रसाद पा करके खा पी करके जब सोने के लिए जाते हैं ना, मैंने कहा ना सेठ जी क्या करते थे, वो जो चित्र राधा जी के चित्रपट उसके आलिंगन चुम्बन करते हैं ना, देखा क्या उस चित्रपट के नीचे जो है कुछ चूड़ियां जो है पड़ा हुआ है। तो सेठ जी विचार करने लगे मेरे बहुए जो है मुझे दिखाने के लिए यहाँ पर रख दिया सेठ, समझ में नहीं है। अच्छा सेठ जी ने क्या कि नित्य प्रत्यह जैसे नियम के अनुसार चित्रपट के आलिंगन करके चुम्बन करके अपने बेटी को है मान करके फिर सो है। देखो आश्चर्य की बात है, हर रोज सेठ जी जब अब वो चित्रपट के राधा जी के चित्रपट के आलिंगन करके चुम्बन करके सो जाते हैं, आंख बंद होने के साथ ही साथ बस राधा जी सपने में आ जाते हैं, सारी रात राधा जी हैं, हंसती हुई मंद मुस्कान करते हुए हैं, है साक्षात रूप में सपने में उनको मानो दर्शन होता है, क्या नींद में है कि जागृत है शेर जी के पता नहीं लगता है। छोटी सी किशोरी मेरी अंगना में डोली रे, पाव में पालिया पकी छम छमा छम बोली रे, है जो कीर्तन करते हैं ना, देखो सारी रात शेर जी झूम जाते हैं, किंतु देखो आज नींद तो आई है, सपने में राधा जी नहीं आ रही, बहुत प्रयास की आज सपने में राधा जी नहीं आ रही है। आज सपने में संत सेठ जी कहने लगे क्या बात, कभी के सपने में आते हैं, फिर सपने में कहने लगे, सपने में सेठ जी कहने लगे अरे राधे तुम कहाँ हो, हर रोज जो हमारे पास आ जाती है, देखो सपने भी वो बोलते जा, बहुत समय तक चलते हो गया। फिर सपने में क्या देखा, राधा जी आज आंखों से आंसू निकलते हुए थोड़ा मानवती होकर के है, थोड़ा दूर में था खड़ी है, सपने में देख है सिर को नीचा करके है और आंखों से आंसू टपक रहे हैं, मानो राधा जी के घुंघराले बाल बाल जो है अपने अपने मुखारविंद के मानो ढक लिया है। खाली सेठ जी बोले अरे लाली, सपनों में बोले क्या बात है, तुम तो मेरे बेटी हो, आज है हर रोज तो मेरे पास तो नित्य करती, आज क्यों नहीं आ रही, किंतु राधा जी कोई उत्तर नहीं दे रहे, बस सिर को नीचा करके आंखों से आंसू टपकते हुए पैर के उंगली के द्वारा मानो भूमि के जो है खोदते हुए है और अपने हाथ को जो है क्या बोलते हैं उसको है मसाज करते हैं ना, ऐसे है बस। सेठ जी बार बार मानो कहने लगे अरे लाली क्या बात है यार, क्यों रो रही है बताओ, क्या आपके आज भोजन ठीक से नहीं, कह रहा मेरा बहू ने तुम्हें भोग ठीक से नहीं लगाया क्या है। अच्छा किंतु राधा जी उत्तर कुछ नहीं है, सेठ जी बार बार कहने पर फिर राधा जी कहने लगे क्या बोली है, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया, क्या बोले बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया है, तीन बहू के याद करे बेटी याद नहीं, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया, तीन बहू के याद करी
बेटी याद नहीं है। सेठ जी समझ है? फिर राधा जी पुनः कहने लगी, तीन बहू के चूड़ियों के पैसा दी, मेरी पैसा नहीं दिया। बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया, तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं है। देखो राधा जी जब ये कहने लगे है, इतने समय नींद टूट गया सेठ जी का। सेठ जी क्या करें है, विचार करने लगे है। योहो दुकान में तो मनिहारी गए थे, मैं तीनों के पैसे, मेरा बहू के पैसा दें मैंने चिड़िया के पैसा उनके याद, और मेरे बेटी राधा जी को मैंने तो याद ही नहीं किया। मैं कह रहे ना सेठ जी क्या बोले, हमारे घर में तो तीन बहू हैं, चौथा कौन है? अभी सेठ जी की याद आए, अरे चौथा तो मैं ही हूं ना, कौन? राधा जी बेटी, इसलिए कर अभी याद आएगा। क्या बोले, तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं। अरे बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया, नाता नहीं निभाया है, तीन बहू के साथ संबंध रख लिया बस, उनके लिए तो पैसा दे दिया, और क्या मैच के केवल तुम्हारी चित्रपट थोड़ी हूं, मुझे बेटी मानती हूं है। अरे बेटी की तो अधिक प्रयाप्तियां होती है, ये तो बहुएं है, है? देखो ये बात सत्य है कि नहीं है, बहुएं तो बहुएं ही है। बेटा कहे पिताजी हम दूर देश में जाना है, अपने पत्नी के लेकर चली जाएगी कि नहीं चले जाए, किंतु बेटी बेटी तो अपना ही कहा है, और बेटी की याद नहीं रखा, और तीन बहू के तुमने पैसा दिया चूड़ियों के लिए और मेरा पैसा नहीं। सेठ जी विचार करने लगे, बात सही है, जल्दी जल्दी सेठ जी है उठ, बात सब कार्य आदि छोड़ करके मनिहारी के घर में गए। थोड़ा अंधेरा था, ब्रह्म मुहूर्त था, दरवाजा खटखटाया है, मनिहारी उसमें सोए थे। बात अभी जल्दी जल्दी कौन हमारे घर में आके दरवाजा कौन खटखटा रहा है। मनिहारी दरवाजा खोला, देखा सेठ जी खड़े हुए। सेठ जी रोते रोते बोले, मनिहारी तू धन्य हो है, तुम मेरी बेटी को राधा जी को तुमने चूड़ी पहनाया। साक्षात राधा जी है तुम्हारे पास, और तुमने उसको चूड़ी पहनी। मैं भूल गया मेरी बेटी को जो है पैसा दे, तो पैसा ले है? मैंने तुम्हारे साथ तो तर्क किया था, कहा नहीं क्या, बोले हमारे घर में तो तीन बहू हैं, चौथा कौन है? मैं समझ, तू पैसा ले। मनिहारी कहने लगे, सेठ जी मुझे पैसा नहीं चाहिए। साक्षात राधा जी जब मेरे चूड़ियों की जब ग्रहण कर लिया, और पैसा क्या चाहिए? सेठ जी बोले, नहीं नहीं तुम जब तो पैसा नहीं लोगे तुम्हारे घर से मैं जाऊंगा, और ना राधा जी मुझे प्रसन्न हो पैसा। किसी प्रकार से सेठ जी मनिहार को पैसा दिया, घर में लौट करके आए। देखो आश्चर्य की बात है, सेठ जी जब पैसा देकर के आए,
घर में आकर देखा चित्रपट के सामने जो चूड़ियां पढ़ा और सब नाजरी कहां गायब हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बोले ये सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है, सुनाने के लिए नहीं है। बोले बरसना एक ऐसे अप्राकृत दिव्य धाम है। फिर संग राधा जी प्रसन्न हुई है और फिर सेठ जी के पास है छोटी सी किशोर के रूप में और नृत्य करने लगी, वही चूड़ी चूड़ियां पहने हुई जो कीर्तन करते ब्रज ब्रज में लोग कीर्तन करते हैं, किंतु ये पीछे कहानी क्या है। छोटी सी केसरी मेरे अंगना में डोले, पाव में पाव लिया बके चमचमा चम बोले, मैंने बासे पूछी लाली कहो तेरो नाम रे, हस हस के बतावे मोते राधा मेरो नाम रे। देखो सेठ जी के सामने साक्षात रूप में राधा जी प्रसन्न होकर के नित्य आदि करने और सेठ जी अपने के धन्य मानने लगे। संत जी संत महात्मा की वाक्य जो है ना वो झूठ नहीं होता है, कहने की हमारे तात्पर्य है वो संत महात्मा ने कहा क्या कहा था, ये राधा जी के अपने क्या मान लो बेटी मान मान लो ना बेटी मान है। एक तो बरसाना में ब्रज में जन्म है, अनेकों जन्म के सौभाग्य होने पर ब्रज में जन्म होता है और ब्रज में विशेष करके बरसाना में तुम्हारे जन्म है और क्या चाहिए है। राधा जी की बेटी मान कितना सब राधा की बेटी मानो नहीं, राधा जी तुम्हारी बेटी ही है, है? तो मेरे कहने की तात्पर्य उसी प्रकार ही है, ये ब्रज ऐसे एक मधुर धाम है, ब्रज की धूली पर्श है और ब्रजवासियों की है प्रेम महात्म कौन वर्णन कर सके, कोई तर्क युक्ति आदि के द्वारा नहीं वर्णन नहीं कर सकते है। अनेकों जन्म की सौभाग्य होने पर ब्रज में जन्म होता है और भी ब्रज के विशेष करके बरसाना में किसके जन्म हो वो क्या वर्णन करें। अरे जिस बरसाना में जन्म लेने के लिए ब्रह्मा तपस्या करे है, अरे वो भी छोड़ दे विष्णु भी तपस्या की है राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए, अंत में ब्रह्मा जी बरसाना में क्या रूप में आया, ब्रह्म पर्वत के रूप में है, जिस ब्रह्म पर्वत के ऊपर सैन है जुगल किशोर करके किशोर की जो है लीला होती है, एक तरफ ब्रह्म पर्वत और दूसरी तरफ विष्णु पर्वत है। हम क्या बने सोचे है ब्रज में जन्म और विशेष के बरसाना में जन्म, ये कोई साधारण बात थोड़ी है जी, कहाँ कहाँ भटकते भटकते घूमते घूमते चलते जा रहे, किंतु जिस जन्म नंदगांव बरसाना ऐसे अपराजित दिव्य धाम में जन्म हो जाता है तब तो समझना चाहिए है, अधिक समय नहीं है आपका, भगवत धाम में अधिक समय जाने के अधिक समय नहीं है, बस वही आपके अंतिम जन्म है, है? बस बोलो राधा रानी की जय, बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधा रानी की जय महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय। मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी शरण बन आरी, मेरो राधा रमन गिरिधारी
चलो भैया आर यू रेडी फॉर तुलसी पूजा ऑल द ब्रजवासी दिल्ली वासीज आर यू रेडी फॉर तुलसी पूजा से यस और नो ठाकुर जी दर्शन टुडे इज ठाकुर जी दर्शन घंटी पंडित जी घंटी पुजारी जी आहा आहो भाग्य ब्यूटीफुल ठाकुर जी चलो वृंदा देवी अष्टकम स्टार्ट
पानी आ रहे कि नहीं, बड़ा पानी डालो।
क्या बात है जल्दी निकलना है साथ में हम जगह गोविंद बलवान जो है साथ में कृष्ण को बताओ चलो भैया गोविंद बलवान देवी भक्त चेतन करी नमस्ता जगदा कृष्ण भक्ति प्रदायिनी गोविंद बलवान देवी भक्त चेतन करी नमस्ता जगदा कृष्ण भक्ति प्रदायिनी गोविंद बलवान देवी भक्त चेतन करी नमस्ता जगदा कृष्ण भक्ति प्रदायिनी चलो भैया डू कीर्तन एट योर होम नाउ इट्स टाइम टू गो Say bye-bye. Hare Krishna.